सियासत का गढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर में प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ की एंट्री हुई, जहां कमलनाथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वहीं संजय शुक्ला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। सियासत की गढ़ इंदौर में हुई कमलनाथ की एंट्री। महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल हुए कमलनाथ। शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस ने दिखाई अपनी ताकत। संजय शुक्ला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दाखिल किया नामांकन। इंदौर दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, विधायक कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विजय लक्ष्मी साधु, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, कांग्रेस नेता अश्विन जोशी, चिंटू चौकसे, देवेंद्र सिंह यादव, पिंटू जोशी और शेख अलीम समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निगम चुनाव के बीच इंदौर आए कमलनाथ अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही संबोधित करते हुए कहा कि मैं इंदौर से आज चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कोई देश का फैसला नहीं होना है, ना ही प्रदेश का फैसला होना है। इस चुनाव में तो भविष्य का फैसला होना है और मुझे विश्वास है इंदौर की जनता पर कि भविष्य सुरक्षित रखेंगे। शुरुआत कर रहा हूं इंदौर से। 16 नगर निगम में 90 से अधिक नगर पालक आए हैं। आप पूछेंगे क्यों? इस चुनाव में कोई देश का फैसला नहीं होना, कोई प्रदेश का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में तो भविष्य का फैसला होना है। और मुझे विश्वास है इंदौर की जनता पर, इंदौर के मतदाताओं पर कि भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज की तस्वीर आप सबके सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं केंद्र में मंत्री था। ये तो मेरे कहने की बात है, मुझे सबसे ज्यादा चिंता प्रदेश में इंदौर की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला की जमकर तारीफ भी की। यही आपको याद रखना है, हमारे उम्मीदवार संजय शुक्ला, इनके बारे में मैं बता दूं। ये संजय शुक्ला केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मुझे आप बता सकते हैं राजनीति में एक ऐसा कोई समाज सेवक हुए? मेरा बस चले तो मैं छिंदवाड़ा में इनका तबादला करवा दूं। तो इससे अच्छा उम्मीदवार इंदौर को मिल नहीं सकता। और आप संजय को वोट देंगे, आप भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। आप देना ही नहीं है, दिलवाना है मुझे कहा जा रहा। वो सही तो यही है। और जो आप संदेश देंगे, मुझे पूरा विश्वास है इंदौर पर, पूरा विश्वास है इंदौर पर कि इंदौर में आप एक ऐसे समाज सेवक का साथ देंगे, आप इंदौर का भविष्य और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मंच पर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला पत्नी अंजलि शुक्ला के साथ नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी ने मिलकर तय किया था कि इंदौर में हमारा बेटा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो क्यों ना इसे मेयर का प्रत्याशी बनाया जाए। अब आपके आशीर्वाद से यह मेयर का प्रत्याशी बना है। आदरणीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले 1.5 साल पहले इंदौर का मेयर घोषित इसलिए, प्रत्याशी घोषित इसलिए किया था कि आप और जितने मंच पर बैठे हमारा वरिष्ठ, हम सब ने मिलकर तय किया था कि इंदौर में संजू हमारा बेटा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो क्यों ना इसको मेयर का प्रत्याशी बना जाए। तो ये आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से बन रहा है, बना प्रत्याशी। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा, ये महापौर का चुनाव आज से 3 साल पहले हो जाते, परंतु क्यों नहीं हुए ये चुनाव? आदरणीय कमलनाथ जी ने जब 15 महीने की सरकार थी उसमें वो काम करके दिखाया था जो ये 15 साल की इनकी सरकार नहीं थी तो कर नहीं पाई।
क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी ने वो काम करके दिखाया, इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शुद्ध के लिए युद्ध हो या भूमाफिया हो। जो भूमाफिया 15 साल से इनके राज्य में पल रहे थे और उनको खत्म कर दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इंदौर का सवर्ण कुमार जनता बोलते हैं, मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, जो इंदौर की जनता है वो मेरी माता पिता है, उसके आशीर्वाद लेके मैं आज फार्म भरने जा रहा हूँ। और फार्म भरने के बाद मैं लगातार मैंने चालू कर दिया जनसंपर्क, बंधु आप जितने मेरे भगवान है, मेरे माता पिता है, मेरे युवा दोस्त सब लोग लगेंगे। जो इंदौर का ये बेटा है, जो इंदौर का बेटा जो हमेशा जितना कुछ कर सकता है वो करके दिखा रहा है, भले विकास की बात हो या इंदौर शहर में कोई आवाज़ उठानी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठानी हो, गलत आवाज़ रुस को उठाने के लिए हो या काम की हो या कोरोना महामारी की हो, हर चीज़ में नंबर वन करके दिखाया मैंने। वो इंदौर जहाँ नंबर वन है मैं उसको लगातार नंबर वन रखूँगा। इंदौर शहर में जो पानी की दिक्कत है वो सबसे पहले मेरा दूर करने का काम है। जो दूर तो हो सकती है परंतु ये दूर होने नहीं देते हैं। बरसात के अंदर पानी भरता है उसको मैं दूर कराऊंगा। जो इंदौर के अंदर नहीं हो सकता है वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से यहाँ पर इनके मेयर रहे, उन्होंने क्या करा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने घर से बैठ गए अंगमीन चलाते थे, पर जनता समझदार है, जनता भगवान है, समझ गई है ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कोई काम नहीं करा। वहीं इसके बाद कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी संजय शुक्ला के साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।